गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो लेसन इट्स गेटिंग हॉटर का रह गया है उसे रीड करेंगे. पेज 111 तक हम रीड कर चुके हैं और 112 अब हम रीड करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में. तो पिछली वीडियो में आपने ध्यान से सुना होगा कि एक पेंगुइन जो है उसे स्टोरी सुना रहा है हमें कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती जा रही है और इसका जो इफ़ेक्ट है एवरी लिविंग थिंग जो अर्थ पर है उस पर पड़ रहा है. अब आगे देखते हैं कि जो पेंगुइन है वो क्या कह रहा है. आई एम अफ्रेड वॉर्स इज येट टू कम, कि मुझे उस बात का और ज़्यादा डर है जो अभी होने वाला है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट एज क्लाइमेट वार्म्स अप द वेदर इज गोइंग टू गेट मोर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, कि ये पाया गया है जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होती है. क्लाइमेट आप क्या समझते हो, वेदर तो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म दिन का वेदर कैसा है, सुबह का, शाम का, दोपहर का. तो क्लाइमेट हमारा लॉन्ग पीरियड हो जाता है कि इस साल कितनी सर्दी थी, पिछले साल कितनी थी और अगले साल कितनी होगी. तो लॉन्ग पीरियड में हम जब काउंट करते हैं वेदर को तो हमें क्लाइमेट और वेदर जो है शॉर्ट टर्म में काउंट होता है. जैसे जैसे हमारी क्लाइमेट हर साल गर्म होती जा रही है, द वेदर इज़ गोइंग, जो हमारा वेदर है, मौसम है, वो और वॉयलेंट, हिंसात्मक और अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल क्या होता है, जिसके बारे में पहले से पता ना हो, सडन अचानक कोई चीज़ घटना घटती हो. हरिकेन्स फॉर एग्जाम्पल विल बिकम मोर पावरफुल, अ बिग वरी फॉर पीपल लिविंग इन द साउथ ऑफ US एंड द इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन एरियाज लाइक फिलिपिन आइलैंड्स एंड बांग्लादेश. वो क्या कहता है कि जो हरिकेन्स हैं, बड़े बड़े तूफान हैं एग्जाम्पल के लिए, विल बिकम मोर पावरफुल, वो और पावरफुल हो जाएंगे. और ये किन के लिए चिंता है, बिग वरी फॉर पीपल लिविंग इन द साउथ ऑफ US, US के साउथ में रह रही हैं जो लोग, एंड इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन एरियाज, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक और इंडियन ओशियन एरियाज में रह रहे हैं लाइक फिलिपिन आइलैंड और बांग्लादेश के लोग. Deserts are increasing and places like the Great Plains of America will get drier. आगे आगे जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते जा रहे हैं क्लाइमेट में, उनसे क्या होगा, डेजर्ट्स, मरुस्थल बढ़ते जा रही हैं. Places like the Great Plain of America, जो Great Plains, बड़े बड़े अमेरिका के Great Plains हैं, मैदान हैं वहाँ, वो और drier होते जाएंगे, सूखते जाएंगे. रेन विल बी हैवियर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर डेजर्ट्स और कहीं पर रेन जो है बहुत ज़्यादा होगी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में. सो देयर विल बी मोर फ्लड्स, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स होंगे, कहीं पर डेजर्ट्स होंगे. दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, कि ये चीज़ें अब से स्टार्ट हो गई हैं. तो इसमें बेटा आपको क्या कहा गया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर डे बाय डे चेंज होता है, क्लाइमेट हमारी इतनी गर्म होती जा रही है, तो इससे क्या प्रभाव होगा कि कहीं पर तो बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे और कहीं पर आपकी बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लड आएंगे, और कहीं पर आप देखते हो कि सूखा पड़ा होता है. आप देखते हो कि कहीं पर तो फॉरेन कंट्रीज़ में इतने इतने फ्लड आ रहे हैं बारिश की वजह से, पूरे के पूरे गांव घर तबाह हो रहे हैं डेली इतनी इतनी बारिश होने की वजह से लगातार, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है. तो ऐसी चीज़ें अभी से स्टार्ट हो गई हैं, घटने के लिए अभी तैयार हो चुकी हैं. आप अभी भी देखते हो टीवी पर कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर बिल्कुल सूखा है. तो ये क्यों है, इम्बैलेंस नेचर में जो हमारा हो रहा है गैसेस का, जो क्लाइमेट जो हमारी गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है, ये सभी इसके कारण हैं. लॉट्स ऑफ पीपल हैव स्टडीड द क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड. दे एग्रीड सेवरल ईयर्स अगो दैट क्लाइमेट चेंज वॉज रियली हैपनिंग, कि बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड के चारों ओर की क्लाइमेट को स्टडी किया है. दे एग्रीड, वो इससे कई साल पहले, सेवरल ईयर्स, कई साल पहले इस बात से सहमत थे कि जो क्लाइमेट है वो रियली हैपन हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं. As a result, all countries in the world came together in a big conference at Kyoto in Japan. Conference होती है, meeting.
कि इसके रिजल्ट में जब उन्होंने देखा कि क्लाइमेट में चेंजेस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो सभी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, एक एक मेंबर एक एक कंट्री का, जैसे मीटिंग होती है पूरी कंट्रीज़ की, पूरी कंट्री तो नहीं जाती, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इस तरह से सभी कंट्रीज से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, जापान में कयोटो नाम की जगह है, वहाँ पर उन लोगों की, हर कंट्रीज़ के लोगों की एक मीटिंग हुई। Here they began to try and agree what to do about climate change. यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कोशिश की और इस बात से सहमत हुए सभी कि हमें क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज ना हो। Lots of promises were made, but countries haven't been very good at carrying them out. कि बहुत सारे promises किए गए लेकिन जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी अपने वायदे पूरे करने में नहीं उतरी। क्या होता है, जैसे आप मेरे साथ कोई प्रॉमिस कर रहे हो, आज मैं कह रही हूँ कि हाँ आज आपने जाकर सभी ने अपने अपने घर की लाइट्स को बिना मतलब अननेसेसरी यूज़ नहीं करना, आपने कमरे से बाहर निकलते हुए स्विच ऑफ करना है लाइट का, अपनी टीवी का, और जहाँ से भी आप रूम छोड़कर जा रहे हैं या फिर अपनी बाथरूम में टैप खुली नहीं छोड़नी ज़्यादा देर के लिए, जितना आपको वाटर चाहिए नहाने के लिए उतना यूज़ करो, अननेसेसरी यूज़ ना करो, तो आप क्या करोगे, प्रॉमिसेस तो कर लेते हैं लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते, फिर भूल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो मेरे एक जने के वेस्ट करने से कौन सा सारे ठीक हो जाएगा एटमॉस्फेयर। नो, अगर हम यही सोचते रहेंगे तो ऐसे तो कभी नहीं होगा, हमें वाटर भी सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए, हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ सुरक्षित रखता है। तो इस तरह से वहाँ पर भी मीटिंग में क्या हुआ कि प्रॉमिसेस तो किए कि हम अपनी अपनी कंट्री में जाकर ये करेंगे वो करेंगे जिससे हमारी क्लाइमेट चेंज ना हो, लेकिन कोई भी कंट्री अपने वायदों पर पूरा नहीं उतरी, उन्होंने अपने देश में जाकर कोई भी प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। और इसके बाद क्या हुआ, सिंस देन द एविडेंस ऑफ चेंज हैज़ बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और तब से अब तक का जो चेंज का, क्लाइमेट चेंज का उदाहरण है वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए इतनी जल्दी जो चेंजेस आ रही हैं। द आइस शीट्स इन बोथ द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिका आर मेल्टिंग स्पीडली, कि जो आइस शीट्स हैं आर्कटिक एंड अंटार्कटिका में वो बड़ी जल्दी से स्पीडली मेल्ट होती जा रही हैं। सी लेवल्स आर राइजिंग, जब आइस पिघल रही है तो समुद्र का जो लेवल है पानी का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आइस पिघलने से पानी बढ़ रहा है और पानी ओशियंस में इकट्ठा हो रहा है, जब ओशियंस भर जाएंगे वो लैंड पर आ जाएगा। टेम्परेचर्स आर राइजिंग, कई जगह पर टेम्परेचर्स राइज हो रही हैं गर्मी की वजह से, स्पेशली इन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिका, स्पेशली आर्कटिक एंड अंटार्कटिका में। ग्लेशियर्स ऑन अदर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेल्टिंग वेरी फास्ट स्पेशली इन द हिमालयाज, जो ग्लेशियर्स हैं बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं वर्ल्ड में माउंटेन्स पर, वो बड़ी तेजी से मेल्ट होते जा रहे हैं, खासकर हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं। द वर्ल्ड इज हीटिंग अप एंड आई एम सॉरी टू से इट्स ऑल पीपल्स फॉल्ट, और जो वर्ल्ड है वो और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, और मैं ये कहते हुए माफ़ी मांगता हूँ कि ये सभी आप लोगों की गलती है। ये देखो, आपको एक ये पिक्चर दिखाई गई है, पेंगुइन है, अर्थ कितनी गर्म हो रही है, सूरज की गर्मी इस पर इतनी पड़ रही है कि वो जूस पी रही है, मींस इट नीड्स टू कूल डाउन, इसको कुछ ठंडा करने की ज़रूरत है, इतनी गर्मी महसूस कर रही है अर्थ, क्यों, हमारे मिसडीड्स की वजह से। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, बट इट्स नॉट एवरी वन दैट्स डूइंग इट, लेकिन ये हर कोई व्यक्ति नहीं है जो ये काम कर रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का, जो हमारी अर्थ को गर्म होने का काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं, मोस्टली इट्स पीपल इन रिच कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, मोस्टली ये वो लोग हैं जो रिच कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर द वंस विद एनर्जी हंग्री लाइफस्टाइल विच गजल फॉसिल फ्यूल्स, ये वो लोग हैं एनर्जी हंग्री लाइफस्टाइल जीते हैं, मीन्स बहुत अच्छा, जिसमें हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल थिंग्स का यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो
हजारों करोड़ों साल पेड़ पौधों के गलने सड़ने से, जीव जंतुओं के गलने सड़ने से हमारी अर्थ के नीचे जो फ्यूल्स बनते हैं जैसे कोयल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। पुअर पीपल लाइक दोज इन मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया एंड लैटिन अमेरिका कांट अफोर्ड टू ट्रेवल ऑल ओवर द प्लेसेस इन कार्स एंड प्लेन्स। दे डोंट हैव हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इन दियर होम्स और ईट फैंसी फूड। कि जो गरीब लोग हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में रह रहे हैं, वो ये फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हर जगह घूमने के लिए कार्स और प्लेन्स यूज़ नहीं करते। दे डोंट हैव, ना तो उनके पास कोई रूम हीटर है और ना ही गर्मी से बचने के लिए उनके घरों पर एयर कंडीशनर है, ना ही उनके पास खाने के लिए अच्छा फूड है। मैनी डोंट हैव इवन हैव एनीथिंग मोर टू लिव इन देन अ वन रूम शैक विद नो टॉयलेट एंड नो किचन एंड नो रनिंग वाटर। कि कईयों के पास तो सिर्फ एक रूम के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो उसमें टॉयलेट है, ना किचन है, ना रनिंग वाटर सप्लाई है, वो सिर्फ एक छोटे से रूम में रहते हैं। तो क्या ये लोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है जो एक छोटे से रूम में रहते हैं? ना तो वो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ना डीजल यूज़ कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी ढंग से यूज़ कर रहे हैं। तो वो लोग तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इनक्रीज़ करने में उनका कोई रोल नहीं है। दीज पीपल आर नॉट द वंस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग येट दे आर द वंस। लेकिन फिर भी वो ऐसे लोग हैं जो इस क्लाइमेट चेंज को सफ़र करते हैं, सहन करते हैं, कोज्ड बाय द रिच। अमीर लोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, लेकिन सहन कैसे कौन करते हैं? गरीब लोग। अमीर लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ उनके पास इतनी ज़्यादा हैं कि वो अपनी लाइफ को एज इट इज़ जीते हैं। असर जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो गरीब लोगों पर पड़ता है। And what about the poor animals like me who are losing their habitats and dying? और अब एवेंग्विन कह रहा है कि और हमारे जैसे गरीब एनिमल्स का क्या, जो हैबिटेट क्या होता है? जीव जंतु के रहने की जगह, लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स के रहने की जगह। कि हमारे जैसे गरीब एनिमल्स का क्या जो अपने रहने की जगह खो रहे हैं? मीन्स पेंगुइन्स है, बर्फीले इलाके में रहता है, लेकिन गर्मी की वजह से पेंगुइन्स का जो बर्फीला इलाका है वो पिघल रहा है, तो वो कहाँ रहेगा? उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड डाइंग, और हम मर रहे हैं। द क्लाइमेट चेंज हैज़ मेड लाइफ टफ फॉर अस टू। कि ये जो क्लाइमेट चेंज है बिकॉज ऑफ मिसडीड्स ऑफ मैन, इस क्लाइमेट चेंज ने हमारी जिंदगियों को भी और भी टफ बना दिया है, मुश्किल बना दिया है हमारा जीना। And it's time for you all to take up a stand and fight against the climate change. Help us to fight this battle for survival. कि और अब ये टाइम आ गया कि आप भी खड़े हों और इस क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध लड़ें। Help us to fight this battle for survival. कि हमारी जो ये लड़ाई है जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इसमें हमारा योगदान दें। क्या योगदान दें बेटा? कि आप ऐसे काम ना करें एनवायरमेंट को डैमेज करते हों, जैसा कि हमने आपके बुक पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है डिस्कस किया है। हमने क्या डिस्कस किया था? कि जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्कूल ट्रांसपोर्ट, शोफर ड्राइवन कार, ऑन फुट। क्या होता है कि एक एक बच्चा एक एक गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में स्कूल जाता है, तो इससे देखो कितना नुकसान होता है, पेट्रोल का पोल्यूशन कितना होता है। ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या स्कूल ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक बस में 70 बच्चे जा सकते हैं, लेकिन अगर वही 70 बच्चे अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएं तो कितना पोल्यूशन होगा? तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन कम किया जा सकता है, पेट्रोल का यूज़ कम किया जा सकता है। तो हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। और अगर आप रूम से बाहर जा रही हैं, अपना टीवी, कंप्यूटर, फ़ैन ऑफ करके जाएं, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई। तो इस तरह से आपको ये काम करने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करते हों। और नेक्स्ट, आप इस लेसन की, इस वीडियोस वॉच करने के बाद, सुनने के बाद बुक पार्ट ट्राई करेंगे राइट करने के लिए, जो भी आपको बुक पार्ट इसमें दिया गया है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।